हेलो प्रॉपर्टी एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज आपको कोई साइट विज़िट के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है शिमला, उसके बारे में लोग हमारे से पूछते हैं कि यार हम शिमला आ जाएंगे, दो दिन घूम लेंगे, तीन दिन घूम लेंगे, लेकिन हमारे जो शहर की फैसिलिटीज़ हैं वो शिमला में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आज की वीडियो शिमला के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहले हम मॉल रोड पर आ गए हैं और मॉल रोड पे आप इन्वायरमेंट देख सकते हैं। मॉल रोड पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप चाहे डेली बेसिस पे आ जाइए, डेली आपको न्यू फील आएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जितनी मर्जी धूप हो, जितना मर्जी पीक समर का सीज़न हो, आपको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग फील रहता है। उसी के साथ साथ आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं उस तरफ, यहाँ कुछ ना कुछ कल्चरल या फिर फूड से रिलेटेड नई नई चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो वो सारी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं शिमला में आप किस किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। शिमला में आपको आने का एक फ़ायदा और मिल जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बेस्ट सिटी है वो शिमला ही मानी जाती है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी ब्रांड। हर तरीके का आपको ब्रांड मिल जाता है और हर तरीके की आइटम जो भी आप आपकी नॉर्मल सिटी में ढूंढते हो वो आपको शिमला में भी मिल जाएगी। और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए बात की जाए तो दो तरीके का खाना आप इंजॉय कर सकते हैं। पहला खाना जो आप आपकी नॉर्मल सिटी में, आपकी स्टेट में इंजॉय करते हैं, यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं, पिज़्ज़ा, चाइनीज़, जो भी फूड है वो आप कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे जो कि यहाँ का लोकल फूड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक आपको मिल जाता है। तो शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इतना अच्छा मिक्स एंड मैच मिलता है। ऐसा ही मिक्स एंड मैच आप इधर भी देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हाउसेज़ है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर है जिसको शायद हम हमारी नॉर्मल सिटीज़ में भूल गए हैं, उसको आप फील कर सकते हैं।